हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन तो बाईस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन जेन्यूटी समटाइम्स इन ए न्यूज़ इज़ इनकरेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ सोलर पावर्ड हेलीकॉप्टर डेवलप्ड बाय नासा इट वॉज अटैचड टू द परजीवर इन जूवर एंड ट्रेवल्ड टू मार्स इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन हिस्ट्री टू मेक अ पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑन अनादर प्लानट नन ऑफ दब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है दूसरा स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशन रिलीजेज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट ये रिपोर्ट कौन निकालता है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट कौन निकालता है ऑप्शन आर आई पी सी सी वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एटमोसफेयर वॉच या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू सल्फर डाईऑक्साइड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिगार्ड्स टू सल्फर डाईऑक्साइड पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉल्कैनिक एक्टिविटी एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉसल फ्यूल कंबशन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सेकेंडरी पॉलिटेंट्स सच एज सल्फेट एरोसोल्स पर्टिकुलेट मैटर एंड एसिड रेन आर क्रिएटेड बाय एस ओ टू तो आपको बताने में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वन ओनली कौन सा स्टेटमेंट गलत है सॉरी विद रिगार्डिंग टू सल्फर डाइऑक्साइड वन ओनली टू ओनली बोथ या नन तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन करेक्ट विद रिगार्डिंग टू दैट दट दिज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो अब सबसे पहले आज का मैप ऑफ द डे देख लेते हैं जो मैप ऑफ द डे मैंने सेलेक्ट किया है वो है द महाजनपदाज कौन कौन से महाजनपदाज थे और कहाँ पे उनकी लोकेशन थी तो ये मैप मैं आपको चाहता हूँ कि मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको लोकेशन पता रहे एटलीस्ट और कौन सा रीजन था उसकी कैपिटल क्या थी थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको बेसिक लग सके सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अंग दिखा रहा हूँ जो अंग प्रदेश है ना जहाँ पे कर्ण को जिसका बनाया गया था जब आपको अगर महाभारत का याद हो तो कर्ण को अंग प्रदेश ही दिया गया था तो अंग जो है दैट वाज द फर्स्ट महाजनपद इधर इसकी जो कैपिटल थी इसमें लिखी नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ दिस अंग प्रदेश चंपा वॉज द कैपिटल और अंग प्रदेश आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिर आपको दो थोड़ा मैं इंडिया के बाहर के दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है एक है आपका यहाँ पे कम्बोज और दूसरा यहाँ पे गंधा ठीक है ना तो और दोनों ही आपको दिख रहा होगा कैपिटल थी राजपुरा कैपिटल थी राजपुरा होगी ठीक है हो ना तो कंबोज की याद रखना कि राजपुरा थी और आपकी जो गांधाराज है उनकी तक्षशिला कैपिटल थी ना? तो आपको दो इधर के मैंने आपको दिखा दी है आपको एक इंपॉर्टेंट आपको दिखाता हूं देखो एक और इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कुरु कुरु नाम का जो किंगडम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये भी आप देख लो यहाँ पे कुरु दिस इज अगेन यू कैन सी इट हेयर है ना आपको दिख रहा होगा कुरु वाज अगेन एन इम्पॉर्टेंट महाजनपद था और इसकी जो कैपिटल थी कुरु की वो हस्तिनापुर थी तो यहाँ पे नीचे देखो कुरु के नीचे आपको हस्तिनापुर दिख रहा होगा दिस इज द हस्तिनापुर कैपिटल ऑफ कुरु है ना तो ये भी आपको देख देन पांचाल आपको यहाँ पांचाल दिख रहा है दिस इज पांचाल वाला रीजन तो पांचाल जो था उसकी जो कैपिटल थी वो अही छत्र या कामपिले बोलते थे अही छत्र अही छत्र आप याद रखिएगा पांचाल की जो कैपिटल थी वो अही छत्र थी ठीक है ना तो गंगा पे ये लाई करता था पांचाल का किंगडम कुरु की जरूर हस्तिनापुर आप याद रखना कुरु की कौन सी याद रखना हस्तिनापुर ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है फिर आगे अगर आप देखो यहाँ पे कोशला आपको दिख रही होगी कोसला कोसला वॉज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए कि महाजनपद था कोसला भी एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद था और इसकी जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती नीचे आपको श्रावस्ती दिख रहा है ना तो श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला कोसला की महाजनपद की कैपिटल थी श्रावस्ती तो कोसला महाजनपद उसकी कैपिटल क्या थी श्रावस्ती देन आपको यहाँ पे मल्ल दिख रहा होगा देन अगेन मल्ल इज द इम्पॉर्टेंट महाजनपद और इसकी पावा या कुशीनगरा कुशीनगरा इसकी जो कैपिटल थी पावा या

तो ये या आप याद रखना है ठीक है तो अपन ने कौन कौन से देख लिए कुरु पांचाल कोशला मल्ला विदेहा वज्जी विज्जी या अंगा ये सारे हमने देख लिए नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सुरसेना दिख रहा होगा सुरसेना इज अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ठीक है ना सुर सेना आपको महाजनपद दिख रहा होगा इसकी जो कैपिटल लाई करती वो मथुरा में लाई करती ये देखो मथुरा साइड में है ना तो सुरसेना की ही कैपिटल आपकी मथुरा थी ठीक है फिर वत्स आपको दिख रहा होगा वत्स की कैपिटल जो है वो कौशाम्बी आपको दिख रही होगी ये वत्स है वत्स वाला रीजन और यहाँ पे उसी कैपिटल कौशाम्बी आपको दिख रही सूर्य सी थी मथुरा की मथुरा कौशाम्बी फिर यहाँ पे काशी काशी आगे देखो काशी विश्वनाथ को वाराणसी में हम जानते हैं तो वाराणसी उसकी कैपिटल देखो नीचे दिख रहा होगा है ना काशी की कैपिटल वाराणसी ये भी आपको दिख रहा होगा और आगे अगर देखें यहाँ पे तो एक मगध नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मगध जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था और मगध की कैपिटल आप सबको पता भी होगा है ना राजगीर थी फिर उसके बाद अलग अलग चेंज होती गई लेकिन पहले राजगीरी थी फिर बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी ठीक है ना तो ये सब जरूर आपको याद रखना है और यहाँ पे विदेहा की जो कैपिटल मैंने नहीं बताई थी विदेहा की वैशाली थी तो विदेहा को ही याद रखेगा वृज्जी या वज्जी बोलते थे विदेहा की कैपिटल क्या है वैशाली तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मगध की राजगीर थी पहले फिर पाटलिपुत्र कर दी ठीक है और कुछ एंशिएंट टाउन्स में देखो ये तामलुक भी याद रखना तामलुक आपको दिख रहा है ना ये वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में है तामलुक मिदनापुर वाले रीजन को तामलुक कहते हैं एंशिएंट पोर्ट है यहाँ पे और यहाँ पे एक भृगु कच्छ दिख रहा होगा देखो भृगु कच्छ भरूच जिसको बोलते हैं ना गुजरात में वो भृगु कच्छ उसको पहले वो... सो so, आगे मूव करते देखते हैं देखते हैं और क्या है यहाँ पे मत्स्य एक आपको दिख रहा होगा मत्स्य मत्स्य की जो कैपिटल है वो विराट नगर है ठीक है ना तो मत्स्य की विराट नगर याद रखिएगा और नीचे फिर आपको दो और दिख रहे हैं यहाँ पे अवंती जिसकी उज्जैनी कैपिटल है और चेदी जो कि आपका इधर साइड चेदी वाला रीजन था उसकी उसकी कैपिटल भी है तो अवंती और उज्जैन अवंती की उज्जैनी याद रखिएगा फिर चेदी एक इम्पोर्टेंट किंगडम है इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा ठीक है ना और एक लास्ट इधर साउथ इंडिया में अस्मका था इसको अस्मका था असाका लिखा ज़रूर यहाँ पे अस्मका था इसका नाम तो अस्मका याद रखेगा पोडाना इसकी कैपिटल थी अस्मका महाजनपद की पोडाना वॉज द कैपिटल ऑफ दिस अस्मका महाजनपद ठीक है ना तो ये आप याद रख सकते हो तो दीज आर द इम्पोर्टेंट महाजनपदास जो सोलह सिक्सटीन इन नंबर्स थे देवर सिक्सटीन इन नंबर्स सोलह महाजनपदार की हमने बात की है एंड दोबारा सुन लेना इनकी कैपिटल्स दोबारा याद रखना मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में अगर पूछना चाहेगा या अरेंज द फॉलोइंग नॉर्थ टू तो साउथ ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे ठीक है ना आई होप यू विल रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़ पेपर में और देखते हैं कि फ्रंट पेज से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है अर्थ डे के रिगार्डिंग सो एवरी ईयर द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड बाईस अप्रैल को आज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1970 पहला जो वर्ल्ड अर्थ डे था वो सेलिब्रेट कब किया गया था 1970 में सेलिब्रेट किया गया था एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड इन नाइनटीन फर्स्ट वन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ 1969 सिक्सटी नाइन द पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकॉनल प्रपोज टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे टू ऑनर द अर्थ ठीक है ना अर्थ को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया था बाय द पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकोनल 1970 में पहला हुआ था लेकिन अभी uh, हर uh, साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में अगली जो न्यूज़ है वो है ब्लू नेचर अलायंस अब ब्लू नेचर अलायंस क्या है सो इट इज़ अ ग्लोबल मरीन इनिशिएटिव याद रखेगा ये मरीन इनिशिएटिव है ब्लू नेचर अलायंस एक ग्लोबल मरीन इनिशिएटिव है ये अलायंस एम क्या करता है टू प्रोटेक्ट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इन फाइव ईयर्स फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ओशंस को प्रोटेक्ट करना है इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स टारगेट एरियाज़ कौन कौन से हैं तो बेसिकली सात ओशियन लोकेशंस को सेलेक्ट किया गया है फॉर द फॉर द टारगेट लोकेशन मेरीन इनिशिएटिव या मेन ब्लू नेचर अलायंस याद रखेगा तो अंटार्कटिका है सीशल्स है कनाडा है पलाऊ है वेस्टर्न इंडियन ओशियन है फिजी है एंड त्रिस्तान दुनहा है जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में एक आईलैंड है ठीक है ना साउथ अटलांटिक में त्रिस्तान द खुना दीज आर द लोकेशन सेलेक्ट सेलेक्टेड फॉर दिस मेरीन इनिशिएटिव या ब्लू नेचर अलायंस याद रखेगा एंड इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप अगर देखें तो फाइव कोर पार्टनर्स हैं बेसिकली इसके आ, कुछ एन भी हैं फाइव कोर पार्टनर्स भी हैं कोर पार्टनर्स हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जी जिसको हम बोलते हैं बहुत फेमस है तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वायमेंट फैसिलिटी तो याद ही रखना फिर इसके अलावा प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट है मिंडेरू फाउंडेशन है रॉब एंड मेलानी वेल्टन फाउंडेशन है ठीक है ना तो ये इसके कोर पार्टनर्स हैं एंड ब्लू अलायंस जो अभी रिसेंटली 20 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है 2021 में ठीक है ना इसको याद रखेगा तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिसेंटली रिलीज की है रिपोर्ट जिसमें ग्लोबल रिव्यू ऑफ़ डेथ पेनल्टी किया गया है इन विच दे हैव रिव्यूड द ग्लोबल रिव्यू ऑफ़ डेथ पेनल्टी तो इसमें उन्होंने बताया कि लगभग 483 एटी थ्री एग्जीक्यूशनस रिकॉर्ड हुए थे इन एटीन कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाई एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले तो ये रिपोर्ट याद रखेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल की ग्लोबल रिव्यू ऑफ डेथ पेनल्टी जिसमें किया गया है ठीक है ना तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बता दूंगा कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है और क्या क्या क्या, क्या काम करती है ठीक है ना तो ये भी आपको पता होना चाहिए आगे देखो इन टू द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस रिकॉर्डेड वर्स फिफ्टी जिसमें कि मतलब देखा जाए तो 2020 में लगभग 26 परसेंट एग्जीक्यूशंस की इंक्रीज हुई है मतलब कि जो डेथ पेनल्टीज हैं वो 26 परसेंट से बढ़ी हैं ठीक है ना तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो डेथ पेनल्टी वो घट नहीं रही है बल्कि इनफैक्ट वो बढ़ रही है ठीक है ना तो ये भी आप याद रखिएगा एंड कुछ कंट्रीज तो जिन्होंने एबॉलिश भी किए जैसे कि चैड जो है उसने एबॉलिश कर दिया है फॉर ऑल द क्राइम्स कोलारैडो हैज बिकेम द फ कोलारैडो भी एक स्टेट बन गया है अमेरिका में लगभग लग बाईस स्टेट आई थिंक अमेरिका में जिसने की डेथ पेनल्टी को बंद कर दिया तो ट्वेंटी सेकेंड स्टेट बन चुका है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको कुछ वैसे फैक्ट्स बता दूँ कि एक बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंडन बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखेगा लंडन लंडन बेस्ड बेस्ड एन जी ओ है ये ठीक है ना लंडन बेस्ड एनजीओ है ये सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा 1961 में बनी थी ठीक है ना कब बना था ये 1961 में बना था लंदन बेस्ड एनजीओ है और नाइनटीन में बना था ये ऑर्गेनाइजेशन एम क्या करती है टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी पर्सन इन्जॉय ऑल द ह्यूमन राइट्स विच आर इनश्राइंड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है ना तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जितने भी राइट्स दिए हैं सारे इंडिविजुअल्स उसको इन्जॉय कर सके यही इसका एकमात्र एम है 1961 सिक्सटी वन में एनजीओ लंदन बेस्ड एनजीओ है ये जो कि बनाई गई थी ठीक है ना और एक और चीज़ बता दो कि इसको 1977 सेवनटी सेवन का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 1977 सेवन का नोबेल पीस प्राइज़ भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिया गया है क्योंकि इसने ह्यूमन uh, डिग्निटी को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं ठीक है ना तो दीज़ आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री इंटरनेशनल आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो आपको पता है ना कब अडॉप्ट किए गए थे 1948 में अडॉप्ट किए गए थे याद रखिएगा नाइनटीन में अडॉप्ट किए गए थे ठीक है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है सो यू कैन मूव विद मी नाव आप भी मेरे साथ मूव करते रहिए सो यू कैन मूव विद मी एडिटोरियल में अगर हम देखें तो आज हम दो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे पहला है रेसिपी फॉर वैक्सीन इनिक्विटी तो अब देखो क्या है बेसिकली सेंटर ने भी जो रिसेंट पॉलिसी दी है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है दैट विल बी आउट ऑफ द सेफ्टी नेट आर प्रसाद का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर की जो लेटेस्ट वैक्सीन पॉलिसी है उसको चेंज करने की जरूरत है अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो ऐसे रह जाएंगे जिनको वैक्सीन ही नहीं मिल पाएगी तो अगर अपन देखें तो अप्रैल नाइनटीन को अनाउंसमेंट किया गया रोल आउट ऑफ वैक्सीन फॉर द एडल्ट्स एडल्ट्स के केस में उन्होंने ये बोल दिया कि अठारह से पैंतालीस साल के लोगों को भी अब वैक्सीन दी जाएगी लेकिन इस बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएगी बट द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोविशील्ड कोवैक्सिन एंड स्टेट्स उससे खरीदेंगे फिर स्टेट्स खरीद करके वो वैक्सीन लगवाएंगे ठीक है ना तो अब देखो ये जो चीज़ ये जो पॉलिसी कही गई है तो सबसे पहली बात तो दो इशूज हैं इसमें पहला इशू तो ये है कि एक तो वैक्सीन की से मतलब अवेलेबे अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन प्रॉपर नंबर में नहीं जब वैक्सीन प्रॉपर नंबर में नहीं तो वैक्सीन लगेगी कैसे पहले तो आपको उसका सोचना चाहिए था दूसरी चीज़ जो है ये है कि जिसमें प्राइस वाले जो मतलब चीज़ आ, आ, मा, चीज आ गई है तो काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे अठारह से पैंतालीस साल के बीच में जो इस वैक्सीन को नहीं लगवा पाएंगे दे विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द सर्कल दे वो उस चीज़ से बाहर रह जाएंगे ठीक है ना क्योंकि देखो स्टेट को भी तो खरीदनी पड़ेगी ना वैक्सीन स्टेट जब वैक्सीन खरीदेगा तो पैसे से आएगी ऐसे तो नहीं आएगी और अगर हम देखें ऑथर ने आर्टिकल बताया डेटा दिया है कि फाइव नाइन्टी फाइव मिलियन ऐसे लोग हैं जो अठारह से पैंतालीस साल के बीच में है फाइव नाइन्टी फाइव मिलियन पीपल आर बिटवीन फिफ्टी एटीन टू फोर्टी फाइव और फाइव नाइन्टी फाइव मिलियन पीपल विल टेक टू डोसेज ऑफीज मतलब कि अगर अपन देखें तो इलेवन लगभग इलेवन नाइन्टी मिलियन डोजेज लगेंगे इलेवन नाइन्टी मिलियन इन नंबर तो इलेवन नाइन्टी इन टू जितने भी रुपीस का ये आएगा एक जितने का भी आएगा ठीक है ना तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा ये महंगी होने वाली है एंड टू वैक्सीन्स जो है इसमें से एक और चीज़ ये है कि इसमें पचास परसेंट ये यूनियन गवर्नमेंट को देंगी रिमेनिंग ये फिफ्टी स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे ठीक है ना तो ये भी एक बात है कि ये पचास परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को और पचास परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे एंड अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडियन गवर्नमेंट टुक द फर्स्ट स्टेप ऑफ चार्जिंग फॉर वैक्सीन बाय फिक्सिंग द कॉस्ट ऑफ जैबसेट प्राइवेट हॉस्पिटल एट अपर सर्किट ऑफ टू पर डोज मतलब कि अपर सर्किट दो सौ का पर डोज इन्होंने जरूर रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकिन इंडिया वन ऑफ द रेयर कंट्रीज में आ गई जिसने कि वैक्सीन के पैसे लेने के लिए बोलते

आप, आप सोचो फिर भी ये इतना सस्ता इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो तीस रुपये पचास रुपये सौ रुपए से भी कम कमाते हैं पर डे एंड ऐसे लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लगभग लग दो दिन की अपनी इनकम दे देंगे एंड इंडिया में सून हैव थ्री मोर वैक्सीन आगे हमारे पास तीन और वैक्सीन आएंगी है ना दो तो, फ्यूचर में है लेकिन दैट दैट थिंग इज इन फ्यूचर एंड ऑथर ने वही कहा कि बिगर इशू ये है कि स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर फिफ्टी परसेंट ऑफ वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम द मैनुफैक्चर्स एंड दिस दस द गवर्नमेंट विल एंड अप कम्पीटिंग विद अदर स्टेट्स तो इसमें एक और इशू है कि स्टेट्स को पचास परसेंट जो वैक्सीन है वो प्राइवेट मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली प्रोक्योर करनी पड़ेगी तो इस कारण से बाकी स्टेट्स भी क्या रहेंगे कम्पीट करेंगे हर स्टेट एक दूसरे के साथ कंपीट करेगा कि पहले हम खरीद लें पहले हम खरीद लें ले, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन कम हो जाए तो इनिक्विटी तो है ही पर एक निगेटिव कॉम्पिटिटिव एक तरीके से एटमोसफेयर ही बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अ फ्रेश पुश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक फ्रेश पुश दिया जा रहा है एंड ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा है ना बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं कहना चाहिए कि चाहे वो इन्वामेंटल uh, चेंज के हों चाहे वो ग्रीन हाउस गैस अमीशंस के हों कार्बन अमीशंस के हों उनको दूर करने के लिए इंडिया ने जो ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रेटजी बनाई है दैट कैन कम कम इन हैंडी ठीक है ना तो इंडिया विल सून ज्वाइन फिफ्टीन अदर कंट्रीज़ इन द हाइड्रोजन क्लब एज इट प्रपेयर्स टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अब आपको पता होगा निर्मला सीतारामन जी ने इस बार बजट में अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को मतलब जिसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर ग्लोबल जो टारगेट है हाइड्रोजन के लिए वो है टू प्रोड्यूस 1.45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2023, 2023 तक याद रखेगा मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट है by 2023 and currently india consumes around 5.5 million tons of hydrogen primarily produced from imported fossil fuels currently india consume around 5.5 million tons hydrogen uh, consumed primarily produced for from imported fossil fuels in 2030 according to an analysis by the council of energy environment and water green hydrogen demand could be up to one million tons in india across applications in Zang सेक्टर लाइक अमोनिया स्टील मिथेनॉल ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सेक्टर तो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वा का कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड जो इंडिया में होगी इट कुड बी अपन मिलियन टन अक्रॉस वेरियस सेक्टर ठीक है ना हाउ एवर सेवरल चैलेंजेस इन स्केलिंग ऑफ द कॉमर्शियल स्केल ऑपरेशन परसिस्ट ना, है ना तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं कॉमर्शियल स्केल में ग्रीन हाइड्रोजन को करने के लिए और इसके लिए ऑथर ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं हम डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको बता दूं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जैसे मान लो वाटर बनाना है वाटर बनना है तो एच प्लस ओ से बनेगा ना तो वो एच आती कहाँ से अभी तक वो आती है फॉसिल फ्यूल के थ्रू लेकिन अब वो ग्रीन हाइड्रोजन जो आएगी वो आएगी फ्रॉम द रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेज सोर्सेज ऑफ ऑफ एनर्जी एनर्जी इट विल बी कमिंग फ्रॉम द एंड नॉट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऐसी हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही हो ना कि फॉसिल फ्यूल से उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन फिर इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन होती है जो कि फॉसिल फ्यूल से आती है, है ना एंड देन लास्ट होती है ग्रे हाइड्रोजन जिसमें जो कि बल्क अभी तक फॉसिल फ्यूल से ही आती है एंड दिस इंडिया कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एट प्रेजेंट एंड ये भी ग्रे हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से आती है है ना और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो नॉन मतलब की कहना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आती है फर्स्ट जो है ऑथर ने सजेशन जो दिया है फॉर प्रमोटिंग द ग्रीन हाइड्रोजन कमर्शियल स्केल में वो है डिसेंट्रलाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन चाहिए एंड इट मस्ट बी प्रमोटेड थ्रू ओपन एक्सेस ऑफ रिन्यूएबल पावर टू एन इलेक्ट्रोलाइजर मतलब कि रिन्यूएबल पावर को एक इलेक्ट्रोलाइजर तक आप पहुँचाओ इलेक्ट्रोलाइजर तक आप जब पहुँचाओगे तो वो स्प्लिट करता है वाटर को एच टू एंड ओ टू में यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना एच टू एंड ओ टू में इलेक्ट्रोलाइजर uh, क्या का काम करता है वाटर को स्प्लिट करता है एच टू एंड ओ टू में यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी करेंटली मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट कैन प्रोड्यूस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सिचुएटेड फार फ्रॉम द पोटेंशियल डिमांड सेंटर्स इनका यह कहना है कि अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो डिमांड सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो रही है अगर आप हाइड्रोजन इस तरीके से शिफ्ट करोगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक तो ये फिर इकोनॉमिक्स को इरोड कर देगा तो बेटर सोल्यूशन ये है कि डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी वील आउट कर लो एक सोलर पावर प्लांट से एंड वहीं के वहीं आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको इलेक्ट्रोलाइजर से इलेक्ट्रोलाइजर से उसको स्प्लिट कर दो ठीक है ना तो अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे और वहीं के मतलब सोर्स पर ही अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइजिंग वाला काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बचेगी दिस इज़ द फर्स्ट सजेशन दूसरा ना दिया वी नीड मैकेनिज्म टू इंश्योर एक्सेस टू राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन दूसरा हमको ये मेक श्योर sure करना है कि राउंड द क्लॉक मतलब कि 24 घंटे आपकी जो रिन्यूएबल सप्लाई है वो प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसको कन्वर्ट कर दें तीसरा है एज वी स्केल अप द टारगेट्स ऑफ हैविंग फोर फिफ्टी गीगाजी बाई ट्वेंटी थर्टी अब आप सबको पता होगा कि हमारा टारगेट है कि चार सौ पचास गीगा रिन्यूएबल एनर्जी दो हजार तीस तक हम बनाए ठीक है ना तो अलाइनिंग द हाइड्रोजन प्रोडक्शन नीड्स विद ब्रॉडर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स इन द इकोनॉमी वुड भी क्रिटिकल तो हमको जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की नीड्स हैं वो हमको इसी रिन्यबल एनर्जी के साथ अलाइन करते जाना चाहिए मतलब हमको इसी तरीके से प्लान करना चाहिए कि जब हम नए पावर प्लांट्स प्लान करें ना तो हम ये सोचते हुए करें कि हमको कहीं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शनस रहेंगे न वी मस्ट टेक द स्टेप्स टू ब्लेंड द ग्रीन हाइड्रोजन इन एक्टिंग प्रोसेस वही वाला जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड इन करना है फ्रॉम इन द एगिस्टिंग प्रोसेस फोर्थ है पॉलिसी मेकर मस्ट फेसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज पायलटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत है ऑब्वियस ही बात है, है ना और हमको ये भी देखने का चाहिए कि अभी जो इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट है वो डिक्लाइन करने वाली है तो ऐसा ना रह जाए कि हम म्यूट स्पेक्टेटर बनकर रह जाए और इसका फायदा ना उठा पाए तो इलेक्ट्रोलाइज जितने ज़्यादा ले सकते हैं अपने पास वो कर लें एंड इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम द नेशनल सोलर मिशन एंड फोकस ऑन द डोमेस्टिक अब हमको ये भी फोकस करना चाहिए कि हम डोमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग करें चाहे वो इलेक्ट्रोलाइजर की मैनुफैक्चरिंग हो चाहे जो भी एसेंशियल है उनकी मैनुफैक्चरिंग हम एंड टू एंड यहां पर अपने इंडिया में करें एंडीडीओ बार्क सी एस आई आर इन सबको इंक्लूड इन, करते जाए तो ये दैट विल बी ऑफ ग्रेट यूज फॉर अस अगला है इंडिया एट वन फोर्टी सेकेंड रैंक ऑन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको कि आर एस एफ यानी कि रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर आर एस एफ रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स एक फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इंडिया को वन फोर्टी सेकेंड रैंक दिया आउट ऑफ वन एट्टी कंट्रीज एक और चीज़ बता दू कि लास्ट ईयर भी इंडिया वन फोर्टी सेकेंड प्लेस पर ही था Uh, इसके पहले हम ज़रूर अच्छी रैंक पे थे 2016 में 133rd रैंक पे थे लेकिन अब हम धीरे धीरे प्रेस फ्रीडम में डिक्लाइन करते जा रहे हैं 142 स्टेट प्लेस पे आ गए हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज और निकालता कौन है आरएसएफ रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सुप्रीम कोर्ट पेव्स वे फॉर एडहॉक जजेस इन हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की बात की है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एडहॉक जजेस का जो क्राइटेरिया uh, है अपॉइंटमेंट का वो आर्टिकल टू ट्वेंटी फोर ए में मैंशनड है याद रखेगा आर्टिकल टू ट्वेंटी फोर ए में मैंशनड है uh, और दिस इज रिगार्डिंग दैट एंड टू ट्वेंटी फोर ए में बताया गया है कि किस तरीके से एडवॉक जजेस को अपॉइंट कर सकता है अब उसके लिए रूल क्या लिखा हुआ है रूल ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट सिंपल सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट टर्म्स याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू रिक्वेस्ट अ फॉर्मल हाई कोर्ट जज एक फॉर्मल हाई कोर्ट जज को रिक्वेस्ट uh, कर सकता है टू सिट एंड एक्ट एज जज टू सिट एंड एक्ट एज जज ऑफ़ द हाई कोर्ट टू हियर केसेस मतलब केसेस सुनने के लिए रिक्वेस्ट uh, कर सकता है फॉर्मर हाई कोर्ट जज को टू सिट एंड एक्ट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर केसेस द प्रोविजन हैज़ बीन इन्वोव्ड वेरी रेयरली इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत रेयरली इसको इंडोड्यूस किया गया है लेकिन ये प्रोविजन दिया गया है प्रीवियस कंसर्न प्रेजिडेंट का चाहिए होता है फॉर्मल हाई कोर्ट जज को आप रिक्वेस्ट कर मतलब कि कर सकते हो टू सिटर्न एक्ट एज अ जज और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंफेसिस किया है, लेकिन कि ये जो मैकेजम है टू ट्वेंटी फोर ए का ये एक एक्सेप्शन होना चाहिए रूल नहीं होना चाहिए और सब्सिट्यूट नहीं करना चाहिए जो करेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अगला आर्टिकल है इंडियन एड्स फर्दर द जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑफ एक स्टडी की गई है बाय द यूनिसेफ एंड जीना डेविस इंस्टीट्यूट याद रखेगा यूनिसेफ और जीना डेविस इंस्टीट्यूट ने स्टडी की है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाली है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया यूनिसेफ और जीना डेविस इंस्टीट्यूट ने की है इसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए आप मेन्स के लिए लिख लेना कि अगर स्टीरो को कोई चीज प्रमोट करती इंडिया में तो वो है एड्स अगर आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है सबसे अधिक देखो अगर आप देखो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एड्स में वो ज़्यादातर वाइफ्स के रूप में किया जाता है ज़्यादातर मदर्स के रूप में किया जाता है और मतलब कि केयर टेकिंग और घर के काम ज़्यादातर बताए जाते हैं रादर देन कि उनको मतलब पेड जॉब्स और ये सब बड़े किसी पोस्ट में दिखाया जाए दे आर शोन मोस्टली एज दैट दूसरा अगर आप देखो तो दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन गेटिंग निरमा साबुन निरमा साबुन शैम्पू यही खरीदते ज़्यादातर दिखती हैं या अपने बच्चों को कहीं ले जाते दिखती हैं तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा सोसाइटी में कहना चाहिए जो बायस है उसको और ज़्यादा फर्दर करता है और स्टीरो को और ज़्यादा फर्दर करता है फ्रॉम दीज है ना अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो मेल्स uh, हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो भी ज्यादा रहता है ना केवल स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है रादर देन उनका जो कहना चाहिए जॉब्स और इन सब के केसेस में दिखाया जाता है वो भी उनको ज्यादा रहता है ठीक है ना और फीमेल कैरेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के रूप में वाइफ्स के रूप में आप दिखाएंगे है ना सो दिस इज अ अप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मफुल स्टीरोटाइप मिसरिप्रेजेंटेशन एंड हार्मफुल स्टीरोटाइप ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजिंग तो ये एक जीना डेविस और यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट निकाली है काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसका आप मेंशन भी करिएगा मोदी टू पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट सबमिट टुडे तो यहाँ पे लीडर्स सबमि ऑन क्लाइमेट हो रहा है आप सबको पहले पहले ही बताया था कि लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज जो होगा वो वर्चुअल सबमिट होगा जिसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन होस्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि बातें होंगी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या और हो सकता है हमको फोर्स भी किया जाए कि हम जल्दी से जल्दी कार्बन न्यूट्रलिटी का ईयर हम मैंशन करें बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए दैट इज द थिंग आगे अगर अपन देखें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में डिस्कस करना है तो यू कैन मूव विद मी श्रीलंका डिटेक्ट्स न्यूक्लियर मटेरियल ऑन चाइना बाउंड वेसल तो श्रीलंका में हब्बट डोटा पोर्ट है जिसको कि चाइना लीज पे रखा हुआ है नाइन्टी नाइन ईयर्स के लिए चाइना कंट्रोल करता है इसको वहां पर एक कार्गो मिला है जिसमें कि न्यूक्लियर मटेरियल था यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम का मटेरियल था जो कि डी डी क्लासीफाइड है एज़ जो कि क्लासीफाइड है एज डेंजरस कार्गो के रूप में डेंजरस कार्गो बोलते हैं तो इसमें श्रीलंकन अटोमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत ये परमिशन लेना पड़ता है पहले अगर आपको कार्गो में ये सब ट्रेवल ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको पहले परमिशन होनी चाहिए या नॉलेज में होना चाहिए श्रीलंकन अथॉरिटीज के बट श्रीलंकन अथॉरिटीज के नॉलेज में ये चीज नहीं थी और इस कारण से श्रीलंका ने उनको वापस भेज दिया हम डोटा पोर्ट से उस शिप को ठीक है ना यूएस लॉ मेकरस बैक हंड्रेड बिलियन साइंस पुश टू टेक ऑन चाइना अब यूएस लॉ मेकर्स ने सौ बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अलाउ किया है ओवर ओवर फाइव ईयर्स ऑन बेसिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च तो चाइना के जो बढ़ते कदम है उनको रोकने के लिए यूएसए ने यूएसए में जो लजिस्लेचर्स हैं लॉ मेकरस हैं उन्होंने सौ बिलियन डॉलर के गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अलाउ किया है ओवर फाइव ईयर्स ऑन बेसिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड साइंस इन द फेज ऑफ राइजिंग प्रेशर फ्रॉम चाइना तो जो चाइना से प्रेशर बढ़ रहा है ना उसको रोकने के लिए अब ये पाँच सालों में करना है इसका जो नाम उन्होंने रखा है बिल का वो है एंडलेस फ्रंटियर एक्ट तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछे यूपीएससी पूछ ले कि एंडलेस फ्रंटियर एक्ट क्या है तो एंडलेस फ्रंटियर एक्ट बेसिकली आपका यही चीज़ है चाइना के बढ़ते उनको रोकने के लिए यूएसए ने हंड्रेड बिलियन डॉलर का गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलाउड किया है ऑन बेसिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑन बेसिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है ना और ये सारे स्टेप्स क्या हेल्प करेंगे दे विल हेल्प इन स्टॉपिंग द स्टेप्स ऑफ चाइना या कहना चाहिए कि खुद को ज़्यादा प्रमोट करेंगे अब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है योशी हीडे सूगा ये टोक्यो श्राइन विजिट करने गए जिससे कि चाइना और कोरिया दोनों ही नाखुश थे क्योंकि ये जो श्राइन है इसको माना जाता है कि इसको मासा काकी बोलते हैं मासा काकी इस श्राइन को बोलते हैं द टोक्यो श्राइन ऑफ मासा काकी और मासा काकी को क्यों माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कहना चाहिए कि बहुत सारा मैसेकर था मैसेकर हुआ था जो कोरिया और चाइना में तो ट्वेंटी सेंचुरी का फर्स्ट हाफ अगर आप देखो तो जापान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और चाइना और कोरिया में बहुत मैसेकर किए थे तो ये जो श्राइन है टोक्यो श्राइन और मैसागा की वो तो ये सब एग्रेशन का ही प्रतीक माना जाते हैं तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन टूडेज़ न्यूज़ पेपर दैट इज़ इट फॉर द डे थैंक यू क्लिप कीप लविंग लविंगस कीप शेयरिंग एस थैंक यू नव नाइज डे